हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग सारसा रेनफोर्समेंट लर्निंग के एक एल्गोरिदम है, ठीक है। सो बेसिकली जो इसके लिए प्री रिक्विजिट्स है हमारे पास में वो है क्यू लर्निंग टेक्निक। वो आपको देखनी पड़ेगी, मेरी पुरानी वीडियो के अंदर जाइए और वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। जो सारसा एल्गोरिदम है वो एक स्लाइट वेरिएशन है जो पॉपुलर क्यू लर्निंग एल्गोरिदम है, उसी का एक वेरिएशन है। फॉर अ लर्निंग एजेंट इन एन रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम इट्स पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप की पॉलिसी हो सकती है। फर्स्ट तो है ऑन पॉलिसी और दूसरी है यहाँ पर ऑफ पॉलिसी। दो पॉलिसी होगी, एक तो ऑन पॉलिसी और एक ऑफ पॉलिसी। अब ऑन पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस द लर्निंग एजेंट लर्न्स द वैल्यू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द करेंट एक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द पॉलिसी करेंटली बीइंग यूज्ड। तो इसके अंदर जो लर्निंग एजेंट है वो लर्न करता है जो वैल्यू होती है फंक्शन की करेंट एक्शन के दौरान। जो करेंट एक्शन आपने किया है, जो लिया है, जो भी एक्शन आपने लिया है उससे वो लर्न करता है, उसकी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो निकल के आती है। और ये आता है कहाँ से है, ये करंट एक्शन जो है वो डिराइव होता है पॉलिसी करंटली बीइंग यूज्ड, जो जो पॉलिसी आप यूज़ कर रहे हो अभी के दौरान, उन पॉलिसीज के दौरान से वो निकल के आता है। तो मैं बता देता हूँ, वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन करंट एक्शन, और करंट एक्शन कहाँ से आता है, करंट पॉलिसी से, ठीक। ये हो गया ऑफ पॉलिसी। इसके अंदर जो लर्निंग एजेंट है वो लर्न करता है वैल्यू फंक्शन को, अगेन वैल्यू फंक्शन को लर्न करता है अकॉर्डिंग टू द एक्शन डिराइव्ड, जो एक्शन डिराइव हो चुका है, डिराइव्ड है दूसरी पॉलिसी से, फ्रॉम अनदर पॉलिसी, मतलब दूसरी पॉलिसी से जो भी एक्शन डिराइव हुआ है उससे वैल्यू फंक्शन आ गया है, ठीक है। सो क्यू लर्निंग टेक्निक इज एन ऑफ पॉलिसी टेक्निक। जो क्यू लर्निंग है वो ऑफ पॉलिसी टेक्निक है, ठीक। सो इट यूजेस द ग्रीडी अप्रोच टू लर्न द क्यू वैल्यू। एक ग्रेडी अप्रोच यूज करता है किसके लिए, क्यू वैल्यूज के लिए, ठीक है। ऑन पॉलिसी इट यूजेस एक्शन परफॉर्म्ड बाय करंट पॉलिसी टू लर्न द क्यू वैल्यू। वहीं ऑन पॉलिसी की बात करी जाए तो ये क्या करता है, ये करता है कि भाई करंट पॉलिसी जो भी है उसके आधार पे आपने जो भी एक्शन लिया है, आपने करंट पॉलिसी के आधार पे कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है, कोई भी एक्शन लिया है उसके आधार पे क्यू वैल्यू लेके आता है। क्यू वैल्यू वही वैल्यू फंक्शन, वही यही क्यू वैल्यू है भाई साहब। सो ऑफ पॉलिसी के अंदर तो ग्रेडी अप्रोच से आता है और ऑन पॉलिसी के अंदर वो करंट एक्शन के आधार पे आता है, ठीक है। तो मैं दोनों के आपको बता देता हूँ, आप करंट स्टेट और जो एक्शन है टी टी टाइम के ऊपर जो स्टेट और एक्शन है उसको आप कैसे निकालते हो क्यू लर्निंग के लिए। क्यू लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, आप ये जो है प्लस आप करते हो लर्निंग रेट, रिवॉर्ड जो भी मिल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब उसके आने वाले एक स्टेप बाद में जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस गामा। हम मैक्सिमम निकालेंगे किसका, मैक्सिमम ऑफ ए क्यू टी प्लस वन, और जो भी उस टाइम पे एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, माइनस जो करंट स्टेट है। ये तो क्यू लर्निंग का हमें पता ही है, सारसा का क्या है। इसके अंदर क्या होता है ना कि क्यू एस टी ए टी जो भी एक्शन है वही हम तो करेंगे प्लस, क्यू वैल्यू को प्लस कर करके लिखेंगे, ये हमें पता ही है।
और रिवॉर्ड टी टाइम के ऊपर प्लस ये, यहाँ पर तो हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई टी प्लस वन और एक्शन T+1 पे जो भी एक्शन है उसको माइनस कर दो आप इससे, मतलब वो ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर थोड़ा सा आप काम कर लो, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये चीज निकाल के ले आओ तुम, ठीक है। तो ये सारसा इक्वेशन हो गई। तो सारसा क्या कह रहा है, हियर द अपडेट इक्वेशन फॉर सारसा डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट, करंट एक्शन, रिवॉर्ड ऑब्टेन्ड, नेक्स्ट स्टेट एंड नेक्स्ट एक्शन, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दिस ऑपरेशन लीड्स टू द नेमिंग ऑफ लर्निंग टेक्निक एज सारसा, स्टैंड्स फॉर स्टेट एक्शन रिवॉर्ड, फिर स्टेट, फिर एक्शन, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट एक्शन और रिवॉर्ड, इसके ऊपर ये सारी कहानी टिकी हुई है, ठीक है। सो द आई विल शो यू द पाइथन कोड टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू इम्प्लीमेंट सारसा एल्गोरिथम यूजिंग द ओपन AI's जिम मॉड्यूल टू लोड द इन्वायरमेंट। सो लेट्स डू सो, लेट मी मेक अनदर फाइल, आई एम डूइंग एवरीथिंग जुपिटर नोटबुक। सो यहाँ पर मैंने जिम को इंपोर्ट कर लिया और नमपाई को कर लिया, ये जिम है वो ओपन AI से आ रहा है। अब हम बिल्ड करेंगे इन्वायरमेंट को। सो वी विल बी यूजिंग द फ्रोजन लेक V0 इन्वायरमेंट वेयर विच इज प्री लोडेड इन टू जिम, जो कि जिम के अंदर प्री लोडेड है। सो मतलब अगर आपको और भी पढ़ना है तो मैं आपको इसके बारे में और कंप्लीट इन्फो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इन्वायरमेंट ले आया, यह कह रहा है फ्रोजन जो वो है इसके अंदर एरर आ गया है, एक सेकेंड रुकिए भाई साहब।